हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और आवर के बारे में। जी हाँ, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि यूनिफॉर्म जो फर्स्ट अल्फाबेट वॉवल है तो उसके आगे एन की जगह अ क्यों लगता है, और सेम जो आर है जो फर्स्ट अल्फाबेट एच यानी कि कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे एक ही जगह एन क्यों लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं वही आपको बताऊँगी। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट यू से स्टार्ट होता है जो वॉवल है, लेकिन उसके आगे ए लगता है। क्यों? क्योंकि उसका साउंड जो वॉवल और कॉन्सोनेंट है वो साउंड से प्रोड्यूस होता है। हमारे 5 वॉवल्स हैं जो साउंड से आते हैं और बाकी रिमेनिंग जो कॉन्सोनेंट है वो भी साउंड से रिलेटेड है। तो जो यूनिफॉर्म का फर्स्ट अल्फाबेट है यू यानी कि अ, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का फर्स्ट अल्फाबेट है य, इसका साउंड य आता है। लिखते वक्त हम यू जरूर लिखते हैं जो वॉवल में होता है, लेकिन जब हम साउंड क्रिएट करते हैं तो वो य आता है, य, यूनिफॉर्म। तो य वर्ड हमारा वॉवल में नहीं आता, वो हमारा कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए हम उसके आगे ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते है। और सिमिलरली जब हम बात करते हैं आवर की तो फर्स्ट अल्फाबेट उसका एच है जो कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, बट हम उसके आगे ए एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम उसको प्रनाउंस करते हैं तो वो आर आता है, आर, आ, आ, जो हमारा कॉन्सोनेंट नहीं वॉवल है, तो इसीलिए हम उसके आगे ए एन एन लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 5 वॉवल साउंड होते हैं ए आई ई ओ यू, और रिमेनिंग 21 आपकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जिस वर्ड के आगे फर्स्ट अल्फाबेट का साउंड वॉवल क्रिएट करता है तो वो आपका ए एन कहलाता है, और जिसके आगे कॉन्सोनेंट का साउंड आता है वो आपका अ कहलाता है यानी कि ए। इसीलिए यूनिफॉर्म के आगे हम अ यूनिफॉर्म लगाते हैं ना कि एन यूनिफॉर्म। सेम वे आवर के आगे हम एन आवर लगाते हैं ना कि ए आवर। थैंक यू।